आपने सबसे पहले आवाज आपने उठाया, प्रोटेस्ट किया, आज कैंडल मार्च करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोग अपनी बच्चियों के न्याय के लिए तब भी खड़े हुए थे जब निर्भया की हत्या की गई थी, जब गुड़िया की हत्या की गई थी तब भी हम लोग यहीं पे खड़े हुए थे, और आज हमारी एक बहन अंजलि के साथ जो हुआ है उसके लिए भी हम, उसके न्याय के लिए आज यहाँ पे खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब बीजेपी को लगता था कि कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो कहते हैं ये राजनीति है। ये बहुत शर्म की बात है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने पहले दिन से इस मामले में लीपापोती की है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस के डीसीपी ने अपराधियों का बचाव किया, कमजोर धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज की, पोस्टमार्टम के अंदर 36 घंटे की डिले की, एफआईआर दर्ज करने के अंदर 15 घंटे की डिले की, जिस तरीके से नए नए गवाहों को प्लांट करके इस केस को कमजोर किया जा रहा है, उस बच्ची के चरित्र के ऊपर सवालिया निशान लगाया जा रहा है, उसको मरने के बाद बदनाम किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे घिनौनी हरकत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि उस लड़की ने कोई शराब नहीं पी थी, और पुलिस और भारतीय जनता पार्टी एक लड़की को ढूंढ के लाती है, जो लड़की कहती है मैं उसके साथ थी मगर मैं भाग गई। जो लड़की उसके साथ थी और भाग गई वो उसकी दोस्त है या दुश्मन है? जिस लड़की को उसके माँ बाप नहीं जानते, विक्टिम का कोई घरवाला नहीं जानते, वो उसकी दोस्त है या दुश्मन है? जो लड़की उसकी मौत का इल्जाम उसी लड़की की जो मरी है उसके ऊपर ही डाल रही है कि वो नशे में थी, वो बहुत गुस्सेल थी, वो मरते मरते बच रही थी, इसका मतलब वो जो विटनेस है, वो जो स्टार विटनेस है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आया है, वो विटनेस उस मरी हुई लड़की के लिए नहीं आया। और उस मरी हुई लड़की की माँ कह रही है कि ये जो लड़की है जो गवाह बन के आई है ये झूठी है और ये हमारा नुकसान करने के लिए।